बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंग्रेडिएंट्स एकेडमी। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर चल रहे थे, चैप्टर चल रहा है हमारा 1। आज का टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। दे बिगन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द 1st सेंचुरी ऑफ हिजरा। फॉलोइंग आर सम डिटेल्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल साइंस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले किया है बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स की और बहुत से ऑब्जर्वेशंस भी नोट की। आपकी बुक में यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मेंशन किए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं जाबिर बिन हयान। ही वॉज बॉर्न इन ईरान। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही ऑल्सो रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अल नबातियात एंड अल हैवान आर हिज टू फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे। उन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी के फील्ड के लिए भी कुछ बुक्स लिखी जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। उन्होंने एक बुक लिखी अल नबातियात, ये बुक उन्होंने प्लांट्स पर लिखी थी, और एक और बुक है जिसका नाम है अल हैवान, ये बुक उन्होंने एनिमल्स पर लिखी थी। फिर है अब्दुल मलिक आसमाई। ही वॉज ग्रेट जूलॉजिस्ट एंड रॉट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खैल ऑन हॉर्स, अल इबिल ऑन कैमल्स, अल शार्ट ऑन शीप्स, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड खल्कुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। अब्दुल मलिक आसमाई का शुमार ग्रेट जूलॉजिस्ट में होता है। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, उन्होंने एनिमल्स पर बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे कि उन्होंने अल खैल नाम की बुक लिखी हॉर्स पर, अल इबिल नाम की बुक लिखी उन्होंने कैमल पर, और अल शार्ट नाम की बुक लिखी उन्होंने शीप्स पर, और अल वहूश नाम की उन्होंने लिखी वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों पर, और खल्कुल इंसान नाम की बुक उन्होंने लिखी है ह्यूमन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर, यानी कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स पर और उनके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पर लिखी है। बू अली सिन्हा। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ही इज़ कॉल्ड एज एविसिनिया इन द वेस्ट। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस। ही ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूजिक। ही रॉट बुक लाइक अल कानून एंड फिल्टिबल शिफा। बू अली सिन्हा का शुमार ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट में किया जाता है। उसके अलावा उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उनकी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें मगरिब में एविसिनिया भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के बारे में तशखीस की थी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, मैग्नेटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार, और उसके अलावा बहुत सी दूसरी इंफ्लेमेटरी डिजीज भी इन्होंने तशखीस की थी। उन्होंने बहुत सा काम किया है, यानी कि मैथमेटिक्स की फील्ड में भी काम किया है, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी काम किया है, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी और म्यूज़िक में भी उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने दो बुक्स भी लिखी हैं, अल कानून और फिल्टिबल शिफा। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।